हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की शुरुआत करने वाले हैं पीएसएल 2022 के 11th मैच के बारे में, जो खेला जाने वाला है पेशावर जलमी और कराची किंग्स के बीच में। तो मैच का प्रीव्यू करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, जरूर से वीडियो पूरे एंड तक देखिए। पर उससे पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको विराट कोहली टिप्स का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अगर आपको इस पीएसएल में हर मैच में मैच की विनर टीम चाहिए हो, साथ में सेशन और टॉस की रिपोर्ट चाहिए हो, तो जरूर से विराट कोहली टिप्स को कॉन्टैक्ट कीजिए। इनका काम बहुत जबरदस्त होता है, हर मैच में आपको रिपोर्ट देंगे और इनकी रिपोर्ट के साथ आपका पीएसएल बहुत बढ़िया जाएगा। पहला मैच आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, तो जाइए जल्दी से मैसेज कीजिए। तो भाई, शुरुआत करेंगे कराची किंग्स की टीम के साथ, जिनका अभी तक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, तीनों मुकाबले हारे हैं, एक भी मुकाबले अभी तक जीत नहीं पाए हैं। पॉइंट्स टेबल में ये इस समय सबसे नीचे है। पिछले मैच में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बाबर आजम और शर्जिल खान ने इनकी टीम को बहुत जबरदस्त शुरुआत जरूर दिलाई थी, पर उसके बाद इनका मिडल ऑर्डर कैपिटलाइज नहीं कर पाया था। टीम ने सिर्फ 170 रन जड़े थे, जो कि पिच को देखते हुए कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं था। बॉलिंग में मोहम्मद नबी, इमाद वसीम, उमैद आसिफ तीनों ने बढ़िया बॉलिंग की थी, पर बाकी किसी भी बॉलर का दिन अच्छा नहीं रहा था और एंड में कराची किंग्स को मुकाबले में हार का ही सामना करना पड़ा था। पिछले मैच में इनका बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा टूथलेस नजर आया था। मोहम्मद इलायस का दिन तो बहुत बुरा रहा था, तो अगर मोहम्मद आमिर अवेलेबल है तो मेरे ख्याल से उन्हें खिलाना चाहिए। इसके अलावा बाकी तो मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पर मेरे ख्याल से बैटिंग में थोड़ा सा और एग्रेसिव अप्रोच के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी, इनके बल्लेबाजों को और तेज खेलना पड़ेगा। इनके अपोनेंट्स पेशावर जलमी की बात की जाए, तो अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ ये एक ही मुकाबला जीत पाए और बाकी के 2 मुकाबले हारे हैं। तो इनका परफॉर्मेंस कराची किंग्स से जरूर बेहतर रहा है, पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया अभी तक कैंपेन रहा है, इनका भी ये सीजन काफी बुरा चल रहा है। पिछले मैच में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इनके बॉलर्स की बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी। लाहौर ने इनके सामने 200 रनों का टारगेट जड़ दिया था। बॉलिंग में हुसैन तलत ने जरूर अच्छा स्पेल डाला था, पर हुसैन तलत जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने इतनी धीमी इनिंग खेली कि जो कि इनकी टीम को बहुत ज्यादा महंगी पड़ी, और वो इनिंग इनकी टीम की हार का भी एक बहुत बड़ा रीजन थी। बाकी भी बल्लेबाजों ने रन जरूर बनाए, पर कोई भी एक बड़ी पारी नहीं खेल पाया। तो खैर, पेशावर की एक्सपेक्टेड टीम की बात की जाए, तो मैं चेंज तो कोई बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा इनके पास ऑप्शन भी नहीं है। टॉम कॉलर कैडमोर को ये चाहे तो खिला सकते हैं, बाकी कोई भी चेंज मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, बाकी मेरे ख्याल से इनकी टीम सेम रहेगी। इस मैच के लिए ड्रीम इलेवन टीम का कप्तान मैं बाबर आजम को बना रहा हूँ। वाइस कैप्टन के तौर पर आप हजरतुल्ला जजाई के साथ जा सकते हैं। ये मैच खेला जाने वाला है नेशनल स्टेडियम कराची में, और यहाँ पे पिच की बात की जाए तो पीएसएल की शुरुआत से ही, मैं शुरुआत की वीडियो से ही आपको बताते जा रहा हूँ कि यहाँ पे हमें हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। बल्लेबाजों को यहाँ पे मदद मिलती है, यहाँ पे रन बड़ी आसानी से बन जाते हैं, और हमें अभी तक ज्यादातर मैच हाई स्कोरिंग ही देखने को मिले हैं। एकाध मैच ही लो स्कोरिंग हुआ है, बाकी सभी मैच में हमें ज्यादा रन बनते हुए देखने को मिले। 180-190 के ऊपर के टोटल भी हमें बड़ी आसानी से चेज होते हुए देखने को मिले। इस मैच में भी हाई स्कोरिंग मैच रहेगा, नो डाउट बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। 200 के आसपास का मुकाबला भी हमें देखने को मिल सकता है, और टॉस जीतकर यहाँ पे पहले बॉलिंग करना ही एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। ड्रीम इलेवन टीम में भी आप ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी खिलाइए। मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए, तो मुझे ये मुकाबला पेशावर जलमी जीतेंगे। मेरे ख्याल से पेशावर की टीम एक ज्यादा बेहतर टीम है, तो मेरा मैच प्रेडिक्शन रहेगा पेशावर। पर आप जरूर से विराट कोहली टिप्स को कॉन्टैक्ट कीजिए। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।